आज हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि ये सब ही लोग, उन्होंने अपने जीवन में देवताओं को सिद्ध किया तपस्या के बल से, लेकिन गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं की। और उस गुरु की कृपा प्राप्त कर जो साधना संपन्न करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। मैं आज इस मंदिर में दशमा विद्या स्थापना करने से पहले बहुत बार सोचा कि जब खेजा गुरु जी ने कहा, गुरु जी रोज सुबह शाम आरती होती है और रोज यहाँ हर महीना गुरु मंत्र जप चलता है, कोई ना कोई तो गुरु मंत्र जप करता ही रहता है, तो इसका मतलब है कि ये ऊर्जावान हो रहा है। और जिस दिन वे मेरे पास आए थे, उस दिन गुरु से मैंने पूछा, प्रभु तो ये चाहते हैं कि दशमा विद्या की स्थापना हो, आप क्या कहते हैं? बोले, जोशी वहाँ रोज मेरा मंत्र जप होता है, दशमा विद्या स्थापना कर दे, नागपुर के लोगों को साधना करने के लिए ठीक हो जाएगी। नागपुर की तरफ के जितने भी साधक हैं वो वहाँ दशमा विद्या साधना करने के लिए, उनको एक साधना स्थली बन जाएगी। घर में जो नहीं कर सकते वो लोग यहाँ आकर साधना कर सकते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम करो। और जिस दिन खेचे गुरु जी ने कहा, मैं उसी दिन ऑर्डर देने गया। अब इस बात की बोलो, जिसकी उनकी भावना है, श्रद्धा है, कुछ भी है, मैंने ऑर्डर दे दिया। मूर्तियाँ भी तैयार हो गई, उनको पूछा पंचधातु की मूर्ति बनानी है, आप एक एक मूर्ति उठाओ तो आपको वजन भी नहीं है, बहुत वजन मूर्ति पंचधातु की बनी हुई है। तो बाद में पता चला कि खेचे गुरु जी को हमारे पुराने साधक जीव काटे जी ने कहा कि मैं दशमा विद्या के मूर्तियों की जो भी खर्चा होती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह कोई ना कोई गुरु भक्त अपनी सहायता करते हुए आगे बढ़ता है। सिर्फ आप में संकल्प होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा। जिस दिन आपके मन में संकल्प होगा, आपके पास कुछ भी पैसा भी ना हो, शिविर होना है तो होना है, कुंड होना है। आप कभी कभी आश्रम में आते हैं, बहुत सारे लोग, गुरु जी एक ज़माने में मैंने देखा ये जल के कुंड बना लेते थे, आपने इतना बड़ा कुंड कैसा बनाया, मुझे ही बताने में कुंड कैसा बनाया। आप जाके अगर दक्षिण में देखो, बड़े बड़े मंदिरों में ही आपके जल कुंड मिलते हैं। ये जल कुंड बनाने की क्रिया बहुत श्रेष्ठता के साथ की जाती है, और वरुण की कृपा हो जिसने जल कुंड बनाया, वो उसके कुबेर भक्त होने के कारण उसको धन प्राप्ति के लिए हो, या उस स्थल में कुबेर का आने का, अप्सराओं का आने का, उसमें नहाने का काम बनता है, इसलिए निखिल कुंड बनाया गया। तो जल की जल हो, मंदिर हो, विद्यादान हो, अन्नदान हो, और शिविर का करना हो। गुरु जी कहते थे कि जिस मानव ने ये किया वो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त किया, एक ही बार नहीं तो 7 पीढ़ियों तक उसके जीवन में उस चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी जो वो कर रहा है। आज मैं आपके सामने इस तत्व के बारे में बोल रहा हूँ, दशमा विद्याओं के बारे में। दश महाविद्याओं में इतनी श्रेष्ठता है कि महाविद्याओं के केवल मंत्र और स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दश महाविद्याओं ने किन किन लोगों ने की और किन लोगों ने नहीं की। अगर दश महाविद्याओं के बारे में सोचते हैं तो रामचंद्र जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, ये आप सब लोग जानते हैं, उनके कुलगुरु थे। गुरु जी कहा करते थे कि महर्षि वशिष्ठ जी ने सब कुछ सीखा लेकिन ज्योतिष के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जिस दिन रामचंद्र जी के अभिषेक का या सीता माता के शादी का मुहूर्त निकाला, इन दोनों से आपने आगे क्या हुआ आप जानते हैं। इसके बाद उनको जब दुख हुआ, गुरु जी कहते थे कि उन्होंने पहले योग वशिष्ठ नाम का पुस्तक लिखा और बाद में ज्योतिष पर अध्ययन करके वशिष्ठ संहिता लिखी, उसके बाद ज्योतिष का कार्य। अब इसके आगे बताता हूँ। जैसे रामचंद्र जी वशिष्ठ महर्षि के शिष्य थे, तो हम देखते हैं कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए, पहले तो हम देखें कि अभिषेक के लिए गए, तो राज्याभिषेक होना था वो नहीं हुआ और वनवास गए। बाद में जब निकले आगे आए, तो रामचंद्र जी को अगर ज्योतिष का ज्ञान होता या कालक ज्ञान होता तो वे सोने के हिरण को देखकर, सीता माई कहती है सोने के हिरण के पीछे भागते नहीं थे, क्योंकि अरे ये नकली है, इसके पीछे भागना नहीं चाहिए, सीता को यहाँ से उठा कर ले जाएगा। कालक ज्ञान की वहाँ कमी होने के कारण रामचंद्र जी उस सोने के हिरण के पीछे भागे। सीता माँ ने कहा सोने का हिरण है, कहते हैं कि सोने का हिरण तो कभी है या नहीं है कोई नहीं सुना, लेकिन उनके पीछे भागे और भागने के बाद सीता माता को उठा गया। अगर रामचंद्र जी को इसका कालक ज्ञान होता कि ऐसा होने वाला है, तो रामचंद्र जी न जाते और पहचानते कि यहाँ कोई नुकसान होने वाला है, तो वहाँ कालक ज्ञान की कमी हो गई। और वो कालक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तब दशमा विद्याएँ नहीं थे, और दशमा विद्या नहीं रहने के कारण सीता माता को उठाना पड़ा, सीता माता गई। और इस दशमा विद्या में हमने ये देखा कि लक्ष्मण जी ने भी अपने जाते जाते जो लक्ष्मण रेखा खींची वो विद्या कौन सी थी, वो विद्या मातंगी विद्या थी जो शबरी ने दी थी।
शबरी ने जब झूठे बेर दिए थे और शबरी के झूठे बेर खाने के लिए लक्ष्मण जी ने नकारा, रामचंद्र जी तो खा गए भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण, लेकिन नहीं कहा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि तुझे कुछ विद्या साबर विधान की सीखनी है तो शबरी माता के पास, क्योंकि शबरी माता के गुरु मतंग महर्षि थे और उनकी विद्या मातंगी विद्या थी, उन्होंने वो विद्या थी और उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। रावण जैसा व्यक्तित्व जो श्रेष्ठ था लेकिन वह लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सका, तो उस विद्या में कितनी श्रेष्ठता होगी। तो शबरी एक मातंगी विद्या से अगर इतनी श्रेष्ठ विद्या बनाती हैं तो हम दशमा विद्याओं में और कितनी श्रेष्ठता बनाएं। हम ये विद्याओं को किस प्रकार सीखें, किस प्रकार इसका ज्ञान प्राप्त करें, यही हो रहा था। आगे चलकर आपने देखा जब युद्ध हो रहा था तो रामचंद्र जी बार बार रावण को मार रहे थे, रावण का बाण से गला काट रहे थे। रावण कितना भी होने पर भी, रावण को काल ज्ञान रहता तो रावण को इस बात का ज्ञान होता था, लेकिन रावण को विभीषण ने कहा, रामचंद्र जी वह रावण ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में अमृत कुंड रखा हुआ है, तुम उसके ऊपर बाण चलाओ तब वो मरेगा। अगर ये ज्ञान रामचंद्र जी को रहता तो रामचंद्र जी डायरेक्ट कुंभ को ही मारते, क्यों नहीं मारे। तो इसका काल ज्ञान का इस दशमा विद्याओं की उपासना बाद में आई। अब आप आएंगे हम कृष्ण के जीवन में। कृष्ण कहीं भी काम किए, कर्ण को मारना रहा हो या फिर कंस को मारना रहा हो या फिर दुर्योधन को मारना रहा हो, उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यवन नाम का, कृष्ण के ज़माने में यवन आया था और उसके साथ उसको इतना वरदान था कि उसको अस्त्र शस्त्र कोई कुछ भी नहीं मार सकते थे, और कर्ण के साथ सब लोग गए। उस यवन आगे आया और उसको ज्ञात था कि मुझे कृष्ण भी नहीं मार सकते ना अर्जुन भी नहीं मार सकते। जब यवन आके ललकार रहा था कृष्ण भगवान को तो अर्जुन ने अपने बाण छोड़ने हैं, तो कृष्ण कहा हे अर्जुन तू बेकार का काम कर रहा है, उसको अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते, ना मेरी दृष्टि काम करती है, ना मेरी कोई शक्ति काम करती है, वो यवन है वो ऐसा नहीं मरेगा। अर्जुन कहता है ये सब आप कह रहे हैं तो ये फिर मरेगा कैसे, इसको कोई दिव्य शक्ति ही मार सकती है, जिसने दशमहा विद्या सिद्ध की हो उस दृष्टि से इसने वरदान पाया है कि अस्त्र शस्त्र विषय किसी से भी यह नहीं मरेगा। तो बोले अब क्या करना है कृष्ण, बोले कृष्ण चलो भाग जाएंगे। कृष्ण और अर्जुन दोनों भाग रहे थे, अर्जुन को सरपुड़ने वाला बात हो गई कि इतने बड़े कृष्ण देवता उस यवन को लेकर भाग रहे हैं और मैं भी इनके पीछे भाग रहा हूँ, क्या इज्जत बेइज्जती हो गई, ऐसा करना क्या है। कृष्ण भागते भागते गए एक गुफा की तरफ भागे और गुफा की तरफ जाकर एकदम छुप गए। देखते क्या है कि वहाँ एक आदमी सोया हुआ है जिसके ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। तो वो भागते भागते यवन आया और देखा आहा तू यहाँ सो गया गुफा में, और उसने एक लात मारी और उसको उठाया। वो कौन था, त्रेता युग का, रामचंद्र के युग का कालनेमी नाम का एक ऋषि था। कालनेमी नाम का ऋषि था, उसने कहा युद्ध वगैरह सब करके देवताओं से युद्ध करके जीता था और उसने कहा था मुझे रेस्ट चाहिए, मैं बहुत युद्ध कर लिया थक गया हूँ और मैं यहाँ सो जाता हूँ। तो इंद्र से भगवान ब्रह्मा से उसने एक ही बार पाया था मेरे को कोई नींद में उठा देगा तो वो मर जाएगा, मैं मेरे आंखों की दृष्टि से मैंने दशमा विद्या सिद्ध की है। और कृष्ण वहाँ के पीछे भागते गए और वहाँ जाकर छुप गए। जैसा ही इसने लात मारा यवन ने कालनेमी को, कालनेमी उठा उसके आंखों से वो भस्म हो गया। तब अर्जुन को समझ में आएगी बात कृष्ण क्यों भाग के आ रहे थे अस्त्र शस्त्र। अरे मैं आपको कहता हूँ कि कृष्ण को यह काल ज्ञान था कि कौन कैसा मरता है, और ये काल ज्ञान केवल दशमा विद्याओं से ही प्राप्त है। यही बात हम देखते हैं कि एक बार भीम बैठे हुए थे सभी लोग, जरासंध उसको तो कोई मार नहीं सकता था, दुर्योधन उसको भी कोई मार नहीं सकता, उनके माने उसका शरीर वज्र शरीर बना दिया था, कीचक उसको कोई मार नहीं सकता था, बकासुर, ये लोग भी, ये पांच लोग भी एक मुहूर्त पर पैदा हुए थे। तो एक दिन बैठे बैठे भीम ने कहा कि द्रौपदी तूने तो तेरे दिल से ये कर लिया कि तूने एक प्रण कर लिया, संकल्प किया कि मैं दुशासन का सर काट कर, दुशासन के छाती का रक्त जब तक मेरे जुड़े को नहीं लगाती मैं जुड़ा नहीं बांधती, ये संकल्प कर लिया। भीम आकर कहता है कि द्रौपदी ने तो ऐसा किया प्रभु, मैं अभी जाके मार के आऊँ क्या। तो भीम के कृष्ण कहते हैं अभी तो उसको मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि वो वर प्राप्ति के लोग हैं। और एक बात याद रख, जरासंध को मारना जैसे किधर से भी काट दे वो चिपक जाएगा, फिर वो मरेगा ही नहीं, फिर कैसा करना है। अब बकासुर है तो कृष्ण कहते हैं कि एक दिन तू मेरे साथ आ। और जब वनवास हुआ तो कृष्ण ने पहली बार भीम को लेकर जाकर बकासुर का वध करवाया। तो भीम कहता है, पांडव कहते हैं प्रभु ये बकासुर को क्यों मरवाने,
बोले ये पांच लोग एक ही जन्म में एक ही मुहूर्त में पैदा हुए, बकासुर, कीचक, दुर्योधन, जरासंध और भीम। इसमें पहला व्यक्ति किसको पहली बार मारेगा, वो बाकी चारों को मारेगा। इसका एक ज्ञान केवल कृष्ण को था, एक काल ज्ञान था इसलिए मार सके। और इस काल ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, केवल दशमहाविद्या से प्राप्त कर सकते हैं। और इन दशमहाविद्याओं को सिद्ध करने का तरीका क्या है, दशमहाविद्या को एक ही बार सिद्ध कर लें इसका विधान क्या है, हम दशमहाविद्या को एक ही समय में सिद्ध करने का विधान क्या है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा यहाँ एक जगह दशमहाविद्या की मूर्तियां हो, एक ही जगह हो, वहां अगर आप, मैं दशमहाविद्याओं का सभी का मिलकर एक ही मंत्र देता हूं, उस मंत्र को अगर आप विशिष्ट क्षण को लेकर विशिष्ट मुहूर्त में करते हैं तो आपको एक काल ज्ञान प्राप्त होगा। आप भी देखो, हम सब लोग जाते हैं, बच्चा नहीं पढ़ा, बच्चा संतान नहीं हुआ, हम जाके किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अगर तुम्हें यही काल ज्ञान होता तो तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी अनावश्यक तेरा ग्रह अच्छा नहीं है कुछ भी बोल देता है और तुम उस ग्रह के अनुसार जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें काल ज्ञान होता तो तुम्हारे जीवन में इस स्थिति नहीं आती। तो इस काल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के साथ दशमहाविद्याओं का एक जगह स्थापित होना बहुत जरूरी आवश्यक है। और आज जो हमने कार्य किया है वो बापदेव में किया है, दशमहाविद्याओं के साथ गुरु यहाँ बैठे हुए हैं।